अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अशफाक नियाज़ी आप सबके साथ यहाँ पर है अपना पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल के साथ। मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा अपना पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल है वो अब बाकायदा से वीडियोस शुरू कर रहा है। आपको डिस्कवर कराएगा पूरा पाकिस्तान, आपको तारीखी मकामात घुमाए जाएंगे, इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट वीडियो सब के सब आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आज मौजूद है सकर के तारीखी शहर अरोड़ में। अरोड़ में ये जो आप मेरे साथ बोर्ड देख सकते हैं, बरसगीर जी कदीमी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम अरोड़, तो यहाँ पर हम आज मौजूद हैं। आपको बताएंगे ये जो हमारी तारीखी मस्जिद है मोहम्मद बिन कासिम की, इसकी तारीखी हैसियत क्या है और इसको किसने तामीर करवाया, सब कुछ आपको बताएंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हर हफ्ते हम आपके लिए नए वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो आपको हमारे साथ रहकर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा, बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे और हमारी हर वीडियो को करना पड़ेगा वायरल। सो गाइस कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आपको घुमाएंगे ये कदीमी मस्जिद और इसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए मेरे साथ आपको घुमाते हैं मोहम्मद बिन कासिम की तारीखी मस्जिद। सखर में 1300 साल कदीम और तारीखी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम इंतज़ामिया की गफलत के बायस अपना हुस्न खोने लगी है। सिंध की कदीम तहजीब के हामिल शहर अरोड़ की तारीखी हैसियत किसी से ढकी छुपी नहीं। इस मारूफ शहर को मजीद पजीराई मोहम्मद बिन कासिम की आमद से मिली, जिसके बाद अरोड़ को बाबुल इस्लाम का दर्जा मिला। दीगर तारीखी नवादात और ख़जीनों में शामिल मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद भी शामिल है, जिसको सन 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम ने कायम किया। इस कदीम असासे के बचाव के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुतअद्दद बार फंड्स के ऐलानात तो किए गए, मगर ये सिर्फ ऐलानात ही रहे, जिन पर अमली काम सिर्फ बुनियादों की खुदाई तक ही महदूद रहा, जो कि खुद इस कदीम असासे के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। 1300 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद वक्त हालात और मौसमी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद इस कदीम असासे के असारों में दो अतराफ़ की दीवारें ही बची हैं। ताहम इलाका मकीन ताहाल इस कदीम मस्जिद को आबाद रखने के लिए पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। सिंध के तालका अरोड़ में 93 हिजरी 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त के हुक्मरान राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। इसी वजह से इस इलाके को बाबुल इस्लाम का दर्जा मिला। ये बड़े सगीर की पहली मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद की हालत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है और अब सिर्फ इसके दो मेहराब बाकी बचे हैं। मस्जिद के साथ मस्जिद का वजूखाना भी गैर सरकारी तौर पर बना हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद की जानिब जाने वाला रोड इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ पर सीवरेज और बारिश का गंदा पानी खड़ा होकर इलाका मकीनों के लिए इंतहाई मुश्किल का बायस बन रहा है। मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम जैसे कदीम और तारीखी विरसे की हिफाजत करने में महकमा सकाफत भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की असर नौ तामीर कराई जाए और मस्जिद के कदीम आसारों को महफूज बनाया जाए।